हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज के इस वीडियो में हम वेन्यू का इंटीरियर ब्लैक करेंगे, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिसके अंदर हम साइड के पिलर हो गए और नीचे की तरफ लेमिनेशन की जाएगी प्रो शील्ड की, और बकेट सीट को डालेंगे इसके अंदर, और रूफ को भी वॉलवेट में ब्लैक करेंगे। वॉलवेट के अंदर रहेगी सब कुछ है। और बाकी अपने भाई सीटों को उतार चुके हैं, अभी छत का काम चल रहा है। भाई मौसम ख़राब हो चुका है, देखो मौसम ख़राब हो गया भाई। तो भाई बारिश की वजह से मैं बीच का वीडियो नहीं बना पाया था, ये देख लो बारिश हो रखी है। तो फिलहाल अभी पूरे भाई सीट कवर लगाने लग रहे हैं, बकेट में रहेंगे सीट कवर, और ऐसा कुछ डिज़ाइन रहेगा सीट कवर होगा। देख लो भाई, चेकआउट कर लो आप। बाकी बीच बीच में मैं वीडियो की क्लिप डालता रहूँगा, फास्ट कर फॉरवर्ड करके लास्ट तक देखना वीडियो को कैसे की जाती है बकेट फिटिंग। तो भाई एक सीट की फिटिंग हो चुकी है, और फिटिंग चेक आउट करो भाई, कहीं भी कोई भी रिंकल देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग आ रखी है देखो। और अभी दूसरी सीटों को भी उतार लिया है, इनके भी अंदर बहुत बढ़िया फिटिंग की जाएगी। वहाँ दूसरी सीट का काम चल रहा है, बाकी छोटी छोटी क्लिप डालता रहूँगा मैं। भाई साइड का पिलर उतार चुके हैं, वही भैया उस साइड का पिलर उतारने लग रहे हैं। वो वाला पिलर उतार के और छत सीधी नीचे आ जाएगी। तो भाई अभी अंदर ला चुके हैं छत को, और इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाएगा। तो क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको वेलवेट वाला कपड़ा बोलते हैं भाई। कैसे लगाया जाता है ये? ये पोस्टिक के साथ लगाया जाता है, SR 505 के साथ। SR 505 के साथ लगाया जाएगा भाई, इससे मतलब पकड़ अच्छी रहती है ना, अच्छी लग रहेगी, और कोई लटके नहीं गा कपड़ा। ऐसा तो नहीं है एक दो साल के बाद लटक जाता है? नहीं लटकेगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक भी गुलजिट नहीं मिलेगी, कोई भी रिंकल देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे एक दो साल के बाद लटक जाता है ना, वो वाला काम आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आप पहले बोस्टिक लगेगी, फिर कपड़ा लगेगा, वो सारा प्रोसेस दिखा देंगे भाई, आप वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अभी इसका नाप लेने लग रहे भैया, अपना मत कहते तो सीधी रखे ना। इसके ऊपर से ना हाथ फेरने से डबल टोन हो जाता है भाई, मैं आपको बाहर दिखा दूंगा, लगने के बाद डबल टोन फिनिश हो जाती है इसकी।
अभी बाहर की तरफ आ गए और फिनिशिंग देखो भाई, बिल्कुल एक नंबर की फिनिशिंग रखी है। अभी इनकी कटिंग होएगी, जो अपने ये लाइट वाले होल होते हैं और जो इनमें पेच वर्क वगैरह जो लॉक वगैरह होते हैं उनकी कटिंग होगी, तो सारा प्रोसेस दिखाया जाएगा। कोई भी रिंकल देखने को नहीं मिलेगा भाई, देखो वेलवेट में रहेगा भाई, डबल टोन बोलते हैं इसको, हाथ लगाने से देखो ये दो कलर होते हो जाते हैं इसके। तो भाई रूफ के अंदर ऐसे लगाया जाता है कपड़ा, थोड़ा बोस्ट की एलपी लगा के और इस तरह से छिपा जाता है अंदर की तरफ, ताकि ये बाहर मतलब दिखे ना। थोड़ा खींच के लगाया जाता है भाई, देखो ऐसे प्रॉपर लग चुका है, छोटी छोटी कटिंग करके तब लगाया जाएगा ये, ताकि अच्छी तरह चिपका रहे। छत का काम लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ लॉक लॉक लगाने रह गए। तो भाई फिटिंग करने लग रही है इसकी, फिलहाल रात हो चुकी है और अपना काम तो लगभग पूरा हो गया है, लेकिन वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बन रही भाई। तो मैं ना सुबह आपको एक क्लिप ज़रूर डालूँ आपके लिए, कैसी लग रही है आप कमेंट में बताना भाई। और ये हो गए साइड के पिलर हो गए भाई, ब्लैक ऑल ब्लैक हो गए अंदर से, फिनिशिंग चेक करो भाई। बाकी कल दिन में मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर डालूँगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो भाई अब अगले दिन का वीडियो है सुबह का, ये देखो भाई छत बहुत ही बेहतरीन लुक आ रही है भाई छत की, और साइड के पिलर हो गए भाई ऑल ब्लैक, ये देखो फिनिशिंग। और जो अपने सनसेट मिरर होते हैं उनको भी रैप किया गया है भाई, देखो जो अपने ग्रैब हैंडल होते हैं उनको भी पियानो ब्लैक में लगाया गया है, मतलब पेंट किया गया है भाई ब्लैक में।
तो ये था भाई आज की वीडियो का फाइनल लुक। आप कमेंट में बताना कैसी लग रही है गाड़ी।